यात्रा शुरू हो रही है, पोल आ गई है और एक सामान पीछे नहीं आएगा भैया, आगे आएगा। ठीक है, तो अब हमारी यात्रा शुरू हो रही है यहाँ से जम्मू कश्मीर। मम्मी ऊपर से बाय कर रही हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग अनलिमिटेड घुमक्कड़। और हमारा सफ़र शुरू हो रहा है माँ वैष्णो देवी का, और अभी हम लखनऊ से निकले हैं और पहुंच रहे हैं वैष्णो देवी। तो सबसे पहले हमारी जो ट्रेन है वो जम्मू तभी पहुंचेगी, और जम्मू से फिर हम लोग बस से आगे कटरा पहुंचेंगे और फिर अगले दिन वहाँ पर चढ़ाई करेंगे माँ वैष्णो देवी के दरबार के लिए। तो अभी आपको हम बता दें कि यह जो ब्लॉग है, इस ब्लॉग में आपको हर एक छोटी से लेकर बड़ी डिटेल मिलेगी। आपको कब जाना चाहिए, किस तरीके से जाना चाहिए, कितने खर्चे आएंगे, कम से कम में आप कहाँ अच्छे जगह रुक सकते हैं, कहाँ आप आराम से खा सकते हैं, पी सकते हैं, कब दर्शन कर सकते हैं, दर्शन करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरीके से वैष्णो देवी का यात्रा करना है। तो अभी हमारा सफ़र लखनऊ से शुरू हुआ है, लगभग 1250 किलोमीटर की हमें यात्रा करनी है। अगर दिल्ली से बात करें तो दिल्ली से लगभग 650 किलोमीटर की यात्रा वैष्णो देवी की होती है। मगर इन यात्राओं में आपको हम एक बात बता दें कि आप कभी भी वैष्णो देवी जा सकते हैं, किसी भी महीने में जा सकते हैं। तमाम ट्रेनें, तमाम फ्लाइट और बस से भी आप वैष्णो देवी पहुँच सकते हैं। तो ये हुआ पहुँच किस तरीके से जाएँ और कब जाएँ। अब आगे कि आखिर वैष्णो देवी जब आप पहुँचें तो किन बातों का ध्यान रखें। जब आप वैष्णो देवी पहुँचें तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि आपकी ऑनलाइन तमाम जो फैसिलिटी है वो ज़रूर पूरी कर लें। जैसे यात्रा पर्ची आप ऑनलाइन ही बुक कर लें, आप ऐप से भी कर सकते हैं और वेबसाइट से भी जाकर कर सकते हैं। इसके साथ साथ कार जो चलती है इलेक्ट्रॉनिक कार, उसको भी ऑनलाइन ही आप पहले से ही बुक कर लें, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। ऑनलाइन वालों को पहले दे दिया जाता है, ऑफलाइन वालों की लंबी लाइन लगी रहती है। अभी हम लोग पठानकोट पहुँच चुके हैं और पठानकोट से आगे हमारी ट्रेन बढ़ रही है, और पठानकोट के आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो कई सारी नदी भी हमें मिलेगी, रावी मिलेगी, इसके अलावा तापी नदी जो है वह जम्मू में मिलेगी। इस तरीके के खूबसूरत नज़ारे आपको ट्रेन से भी देखने को मिलेंगे और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं। अभी जो हम लोग यात्रा कर रहे हैं ये हल्की बरसात में कर रहे हैं, और बरसात की वजह से बहुत ही हरियाली है चारों तरफ, बहुत ही प्यारे नज़ारे हैं। यूँ तो आप कभी भी दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, 12 महीने में कभी भी आप जा सकते हैं वैष्णो देवी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वैष्णो देवी की जो भी यात्रा करता है उसको इस बात का ज़रूर एहसास होता है कि सबसे ज़्यादा व्यवस्थित और सबसे ज़्यादा सुरक्षित यात्रा किसी भी तीर्थ स्थलों की है तो वैष्णो देवी की है। तो अभी हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है जम्मू तवी, और जम्मू तवी स्टेशन पे हम उतरेंगे और यहां से फिर आगे हम लोग बस से पहुंचेंगे कटरा, और कटरा स्टे करेंगे, फिर अगले दिन वहां से हम माँ वैष्णो देवी का दर्शन करेंगे। तो आपको हम बता रहे थे कि आप जब भी वैष्णो देवी जाएँ तो ऑनलाइन अपनी जितनी भी फैसिलिटी है उसको पहले से भी बुक कर लें, चाहे वो कार की हो, चाहे वहाँ पर यात्रा पर्ची की बात कर लें, चाहे आप वहाँ पे डॉर्मेट्री की बात कर लें। क्योंकि जब आप चढ़ाई करते हैं तो ये तमाम चीज़ आपके पास ऑनलाइन जब होती है तो बहुत ही सही होता है, काफ़ी आराम मिलता है। तो अब हम लोग जम्मू में बस में बैठ चुके हैं और अब बस से हम लोग कटरा की तरफ जा रहे हैं। और जम्मू शहर काफ़ी साफ़ सुथरा शहर है, आप जब वापस आएँ तो जम्मू ज़रूर घूमें, क्योंकि बहुत ही साफ़ सुथरा शहर है जम्मू। और अभी हम लोग जो तापी नदी है आप देख सकते हैं उसको हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। इस नदी को क्रॉस करने के बाद हम लोग आगे टनल, कई सारी टनलें आपको मिलेंगी जब आप बस से जाएंगे या ट्रेन से जाएंगे, तो कई सारी टनल आपको मिलेगी जिसके अंदर से, पहाड़ों के अंदर से आपकी बस या ट्रेन घुसते हुए पहुंचेगी कटरा। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आता है, एक अलग ही अनुभव होता है। अगर आप उत्तर भारत से सफ़र कर रहे हैं तो एकदम आपको अलग लगेगा। और साफ़ सफाई और वातावरण की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है। पानी वहाँ का काफ़ी साफ है, काफ़ी अच्छा है पानी, जो पीने वाला पानी है वो उसकी क्वालिटी भी अलग है, उसकी मिठास एक अलग सी मिठास है। तो आपको पानी भी बहुत अच्छा लगेगा वहाँ का, जम्मू कश्मीर का, या ये कहें कि कटरा का और जम्मू का पानी। और ऊपर जितना आप जाएंगे उतना ही अच्छा और पानी आपको वहाँ पर मिलता रहेगा।
तो और रास्तों की बात करें, अगर आप फोर व्हीलर से आ रहे हैं तो आप बिल्कुल आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली से अगर आप आ रहे हैं, लखनऊ से आ रहे हैं, तो आप समझिए कि लखनऊ से या दिल्ली से लेकर कटरा तक फोर लैंड है, आपको कहीं भी थोड़ा सा गड्ढा तक नहीं मिलेगा। इतनी खूबसूरत रास्ते हैं, बहुत ही अच्छे रास्ते हैं, रास्तों में कोई दिक्कत नहीं है और बहुत ही सेफ़ रास्ते हैं। तो आप फोर व्हीलर से भी बड़े आराम से अपने घर से वैष्णो देवी दर्शन करने आ सकते हैं। अब तय आपको करना है कि आप कितनी दूर गाड़ी चला सकते हैं, कितनी गाड़ी चला सकते हैं, मगर रास्तों में कोई दिक्कत नहीं है, रास्ते बहुत अच्छे हैं, खाने पीने की व्यवस्था हर जगह है, ढाबे हर जगह खुले हुए हैं, पुलिस सिक्योरिटी हर जगह है। हाँ, जब आप जम्मू से कटरा की तरफ बढ़ते हैं तो एक जगह चेकिंग होती है, वहाँ चेकिंग करने के बाद सिक्योरिटी चेकिंग होती है कि आखिर आप किस तरह जा रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं और क्या क्या लेकर जा रहे हैं, कहीं कुछ नशीला पदार्थ तो लेकर नहीं जा रहे हैं, इस तमाम चीज़ों की चेकिंग होती है। और जब हम बस से देखिए यात्रा कर रहे हैं तो खूबसूरत जो व्यू है, इतने खूबसूरत व्यू आपकी बस के दोनों तरफ दिखेंगे और हरे भरे पूरे पहाड़, और टनल के अंदर से आपकी बस जाती हुई, और सड़कें जो हैं बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही प्यारी हैं। वहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट है उसकी भी फैसिलिटी बहुत अच्छी है, आप बस से भी चाहें तो बस से जा सकते हैं, चाहे आप ट्रेन से चाहें तो ट्रेन से जम्मू से कटरा जा सकते हैं। हर आधे घंटे में आपको बस मिल जाएगी। और ट्रेनों की बात करें तो ट्रेनों की संख्या थोड़ी कम है, इसलिए लोग ज़्यादातर बस से जाते हैं। और एक चीज़ ज़रूर आप ध्यान दें, अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो कोशिश करें कि कटरा तक आपकी ट्रेन जाए जम्मू, क्योंकि आपको जम्मू फिर उतरना पड़ेगा और फिर बस लेनी पड़ेगी या दूसरी ट्रेन लेनी पड़ेगी, फिर आपको जम्मू पहुँचना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर टनल की बात करें, देखिए हमारे सामने एक टनल आ रही है, उस टनल के अंदर हमारी बस जा रही है। इस तरीके की तमाम टनल आपको मिलेगी और उस टनल के अंदर से आपकी बस होते हुए कटरा पहुंचेगी जम्मू से। और रास्तों की बात, जैसे मैंने आपको बताया कि रास्ते बहुत ही अच्छे हैं, रास्तों में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी भी बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि सुबह 7 बजे से शाम 9 बजे तक ही बस चलती है, रात में बस नहीं चलती है। अगर आप सोचें कि रात में आप बस से जम्मू से कटरा की यात्रा करें तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रात में बस नहीं चलती है और बस सिर्फ सुबह 7 बजे से ही शुरू होती है। तो ये यहाँ की तमाम स्थितियाँ हैं। और आप देखिए हमारे सामने आपको फिर एक टनल दिख रही है। तो इस तरह की लगातार टनल और ऊंचे ऊंचे पुल आपको लगातार देखने को मिलेंगे, खूबसूरत व्यू तमाम आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे। और आपको ये भी बता दें कि अगर आप जब जम्मू आएँ तो तमाम जो ऑनलाइन फैसिलिटी जिसके बारे में मैंने आपको बताया वो ज़रूर कर लें, अगर हो सके तो आप जो ऑनलाइन कार है उसको ज़रूर कर लें, उससे काफ़ी आराम मिलेगा, काफ़ी सस्ता है और काफ़ी अच्छा है। 375 रुपये आपको देने हैं और आप आराम से अर्धकुमारी से वैष्णो देवी दर्शन करने जा सकते हैं। तो अभी हम कटरा पहुंच चुके हैं और कटरा बस स्टैंड से अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। आपको इस ब्लॉग में हमने तमाम जानकारी दी, अगले ब्लॉग में आपको कटरा के बारे में और किस तरीके से दर्शन किया जाए, भवन किस तरीके से जाया जाए, इन तमाम जानकारी को हम देंगे। ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और खूब सारा सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।